चलो द वेवलेंथ ऑफ द निकल, आप देखो वेवलेंथ ऑफ 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन, अगर एक हम लोग के पास फोटोन है जिसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा दिया हुआ है 1.24 × 10⁻¹⁹ और इसकी एनर्जी मतलब एच न्यू या एच सी अपन लैम्डा की जो वैल्यू है वो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 किलो मतलब 10³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो कहता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन। अब समझने की कोशिश करना, ये एक कंडीशन है, ये पहला कंडीशन है वेव लेंथ ऑफ फोटोन की। अब फोटोन की जब एनर्जी हम बढ़ा दिए, कितना कर दिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे केस में हमने एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा मतलब 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट किए, तो ये पूछ रहा है अब फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उस हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन के दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ए है और सेकंड पार्ट ए है, तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो एनर्जी एच सी अपन लैमडा की जो वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से एच सी अपन लैमडा एनर्जी एच सी अपन लैमडा की वैल्यू 10³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ से एच सी की जो वैल्यू आ जाएगी और 10³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1.24 × 10⁻¹। तो ये वाली चीज़ हमें मिल जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 1.24 × 10⁻¹ यहाँ से 6 एच सी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये सारी चीज़ें इतनी हमें मिल जाएगी एच सी की वैल्यू। अब सेकेंड टाइम में जब मैं एनर्जी कैलकुलेट करूँगा तो सेकेंड टाइम में एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू अपान एच न्यू है या एफ सी अपान लैमडा है, तो यहाँ से सेकेंड टाइम जो वेव लेंथ जो लैमडा आ जाएगी सेकेंड लैमडा डैश दैट इज एस सी अपान एनर्जी ई, और एस सी की वैल्यू मैं पहले ही कैलकुलेट कर लिया हूँ 1.24 × 10⁻¹⁶ और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ए कैंसिल हो गया और यहाँ से मुझे एनर्जी जो है 1 मेगा 10⁶ तो यह आ जाएगा 1.24 × 10⁻¹½ दैट इज द वेव लेंथ लैमडा डैश। तो ये उस फोटोन की वेव लेंथ है लैमडा डैश जो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मूव कर रहा है। अब अगर मुझे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए किसी भी वेव की जो स्पीड होती है स्पीड उसकी फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होती है। तो फोटोन तो लाइट के स्पीड से चलता है तो सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा, वेव में पढ़ें तो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आ जाएगी वो सी अपन लैम्डा, तो सी की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ लाइट की स्पीड और लैम्डा डैश हम पहले ही कैलकुलेट करके आए हैं 1.24 × 10⁻¹² तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ प्यारे बच्चों तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 1.24 और मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ और 8, हाँ और 8 यहाँ से देख रहे हो 10⁻⁶ ये 20 आ जाएगा, ठीक है 10⁻⁶ यहाँ से देखो 10⁻½ और 8, हाँ 10⁻⁶ ये 20, हाँ सही है 10⁻⁰। अब 100 से ऊपर नीचे इसको सॉल्व कर लो तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा और 3 × 100/124 और ये 10⁻²² आ जाएगा, ठीक है। तो 10⁻ ये पॉइंट हट गया और ये 10⁻²० इसको ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ से, तो ये 3 300 और 10⁻²० तो फिर इसको सॉल्व कर लेना ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जा रहा है 10⁻²² और ये टू पॉइंट समथिंग आएगा ये, तो 2 point something 10⁻²० तो 2 point something और 10⁻²० अगर देखोगे तो हम लोग का बी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना यह आ जाएगा 2.4, ठीक है 2.4 × 10⁻²० ठीक है। चलो नेक्स्ट।